हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं जा रही हूँ किरण दीदी के पास स्मूथनिंग करवाने, और मेरी मम्मी भी करवाएगी। मम्मी बता रही है कि मेरे को कलर करवाना और स्मूथनिंग करवानी है। और ये रूहानी, गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस। और प्रेस कर रहा है ये, पता नहीं क्या कर रहा है। देखो सुबह सुबह। और सोनिया क्या कर रही है? हेलो गाइस, चाय पी लो। चाय बन रही है। तो अभी हम जा रहे हैं, दीदी ने 9 बजे का टाइम दिया था और अमित भी आ चुका हूँ। मैं भी तैयार होती है, ये उठती नहीं है सुबह जल्दी। जल्दी उठा करो, जल्दी उठोगे अच्छा काम। सोनू सोनू वाला। हेलो गाइस। तो हम जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे प्रोसीजर पूरा स्मूथनिंग का, कि भाई दीदी कैसे कैसे करते हो। सैलून बहुत अच्छा बनाया दीदी ने। तो चलते हैं, चले। ओके बाय मम्मी। हेलो गाइस, तो हम पहुंच गए हैं सैलून में और ये है दीदी। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो आप टाइम पे पहुंच गए थे? मैं भी टाइम पे पहुंच गई। तो अब दीदी करेंगी मेरी स्मूथनिंग और पूरा प्रोसीजर आपको दिखाएंगे। और दीदी का भी आज ही एक नया चैनल स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर भी आपको फुल वीडियो मिल जाएगी कि भाई कैसे दीदी स्मूथनिंग करते हैं और कैसे कैसे क्या कुछ होता है उसमें। तो आपको दीदी बताएंगे सब कुछ अपने व्लॉग में। तो देखते रहिए हमारे साथ, जुड़ते रहिए और सब्सक्राइब कर देना मेरी दीदी को। जितने मेरे सब्सक्राइब हो जाए सारे आ जाना इधर। ठीक है दीदी, चलो फिर बनाते हैं, करते हैं स्टार्ट। ओके तो गाइस, दीदी मेरे बाल चेक कर रही है अभी कि भाई प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। मैं बोलूंगी। हाँ। अगर मतलब उसने कराई हुई है तो उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देंगे, नहीं कराई है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देंगे। शालू आपने पहले कोई केमिकल मतलब स्मूथनिंग वगैरह कराई? हमारे क्लाइंट के हेयर की इलास्टिसिटी और पोरोसिटी दोनों आल्सो गुड है। अब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ओके करो स्टार्ट। ठीक है, मिल ले लो। ऑन है। अच्छा क्या? और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, अब मेरे बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और स्टार्ट करते हैं अब, बहुत काफ़ी टाइम हो गया, अब दीदी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। घर तक आकर नहीं आई थी तो सोचा कि बाल थोड़ा हरे तरह तो दिखा है तो केमिकल उसमें रिएक्ट नहीं करेगा जी। तो इस खातर दीदी ने बोली पहले इसे धोवांगे, पहले बाल धोवांगे, पहले बाल धोवांगे। भाई इतनी बेइज्जती मत करो, मैं रोज नहाती हूँ। ठीक है, तो अब मेरी वो हेड वॉश हो रहा है, वो होता ही है। अरे तो हमने तो ये बात ही नहीं बोली कि आप रोज नहाते हो नहीं नहाते, हमने सिर्फ ये बोला था कि घर से नहा के नहीं आई है। बाहर चलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हमारा एक और क्लाइंट आ चुका है, अब हम लोग उसकी भी करनी है स्मूथनिंग। क्लाइंट के तो बल्ब से बुझ रहे हैं। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, चसान का ये भाई। तीन तीन दो दो तीन तीन जने लग गए हैं आज तो, बाल लंबे हो गए हो आज तो, हो गए। क्यों अंजलि, सही कहूँ ना, अंजलि भी आ गई, अंजलि के भी होंगे 5 घंटे प्लस 5 घंटे 10 घंटे बिरान। एक कम पाँच कर दोगे? चलो ठीक है फिर, तू एक काम कर यार, तू बैठ दे, तेरे मैं तो देता हूँ। चलो तो भाई अंजलि आ चुकी है लगा के 20 रुपये टेम्पो से, और यहाँ शालू के बाल धो रहे हैं किरण दीदी शैम्पू से। तो भाई केमिकल हिस्ट्री के बारे पूछा तो नुक्का है, स्मूथनिंग करा रखी है जी पहला। बेचारे के ऊपर सीख ली, 6 महीने का बेचारे के बाल देख लो ऐसे करने से, वो नहीं होता काटड़ू चाप लिया करके। नहीं, मेरे सीधे हो गया, 5 घंटे के बाल।
पाँच घंटे के बाद चलो देखते हैं 5 घंटे के बाद क्या होता है। भाई शालू उनको कहते हैं कि दीदी मेरा है ना एक बड़ा शैशे मंगा दियो शैम्पू का, मैंने उन्होंने कहा सीधा पीपा ही मंगा लेकिन कहते मैं ना हो इस बात पर कितने जने आ करिए कमेंट करके बताइए। ये है काटडू जेल काटडू जेल का कमाल है देखो कैसे हो रहे हैं बात जादू तो रहने वालों की तो केमिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बिगड़ रही है सारी बिगड़ रही है केमिकल आपके बालों की हिंदी करवा दे अब मेरे बालों को हवा दी जा रही है मजा आएगा अभी इत्र लगा ले नाक क्या कहूँ गाइस तो चार बंदों ने मुझे घेर रखा है मेरे बाल पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं थोड़े थोड़े सारे पकड़ रहे हैं अभी क्रीम अप्लाई की जा रही है ये देखो ये टाइम होता है बोर होने का नहीं कोई बात नहीं केमिकल ट्रीटेड हेयर थे इसलिए हेयर का बोन जल्दी टूट गया तो हमें इसलिए मास्क अप्लाई करना पड़ा। हाँ नींद आ गई है सवाल एक बज गया आ गई है और क्रीम अप्लाई हो चुकी है और बहुत जल्दी हुई है पहले मैं करवाती थी तो मतलब एक बंदा करता है तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया क्योंकि तीन जने लग रहे हैं तो जल्दी होना है चार चार जने लगे हुए हैं तो जल्दी हो गया हेयर कितने रखना होगा ये चलो रे डोली बाले धोने की तिराई अब हेयर वॉश होगा ये भी कितना परसेंट काम हो चुका है अभी दीदी कितना परसेंट हो चुका है 20% हुआ है बस अभी जूनियर जी कितनी ऐसी बालों की तेरी गेयर का बैट पर मेरे प्रेसिंग होएगी फाइनली ये होता है कि प्रेसिंग बहुत ही ध्यान से करनी पड़ती है थोड़े थोड़े बाल थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा क्योंकि बंदूक चल रही है साथ में कोई बात नहीं क्या कर रहे हो दीदी अब हम न्यूट्रलाइजर लगाएंगे इससे क्या होगा इससे फिक्स हो जाएंगे जिस शेप में है उसी शेप में रहेंगे गर्दन बिल्कुल नहीं हिलानी है मुझे ये वार्निंग मिली है कि गर्दन नहीं हिलानी है छोड़ना एक बार क्या साइन है अभी आई ये अभी प्रोसेस इतनी तो आ गई कैसा लग रहा है आपको मेरे को अच्छा लग रहा है अभी फाइनल में देखना मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा लेकिन अब गर्दन भी नहीं हिलानी हाँ तो इसलिए मैं सीधी बैठी हूँ फोन भी नीचे रख दिया सच में रख दिया न्यूट्रलाइजर लगाने के बाद 10 मिनट न्यूट्रलाइजर को रख के उसके बाद हम उसको न्यूट्रलाइजर को रिंस आउट करेंगे और शैम्पू का यूज़ नहीं करेंगे इसमें हम इसके बाद हम ड्रायर करेंगे और फिर दोबारा से प्रेसिंग
अभी ये फाइनल लुक है, तो ये फाइनल स्मूथनिंग हो गई, ये अच्छे लग रही है। Okay.